अल्लाह स्टूडेंट्स हमने जो वो टॉपिक किया टॉपिक हमारे पास क्या था क्रॉस रेशो टॉपिक था आज हमने जो कुछ एग्जांपल्स करनी है क्रॉस रेशो से रिलेटेड क्रॉस रेशो में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रॉस रेशो देखा एंड लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन देखी यानी कि यह हमने एक थेरम भी देखा क्रॉस रेशो को डेफिनेशन देखी और हमने एक थेरम देखा आज हम उसी थरम से रिलेटेड जो वो कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे उस थरम में हमने क्या पढ़ा है इसको भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँगी जैसे कि हम जब वो जिल की बुक का चैप्टर नंबर सेवन कर रहे हैं कन्फॉर्मल मैपिंग वाला उसमें ये हमारे पास टॉपिक है ठीक है और हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसके इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे एंड देन हम आ, अगले लेक्चर में जब वो इससे रिलेटेड जब वो Uh, मतलब एक्सरसाइज करेंगे ठीक है तो आपने क्या करना है आपने अच्छे से लेक्चर्स को लेना है थर्टी वाइज ताकि आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में आप करवाऊँगी और कुछ असाइनमेंट वर्क दूँगी जिसमें आपके पास क्वेश्चन भी होगा और क्वेश्चन का आंसर भी होगा यानी कि सोल्यूशन आपने खुद करना होगा सोलूशन के लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी बताऊँगी कि कैसे आपने वो क्वेश्चन जो वो है वो खुद से सॉल्व करने हैं और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर जाएँ और वो पे पे होना चाहते हैं तो वहां पर आप मुझे बताएं मैं आपको पे भी ऐड कर दूँगी सब्सक्राइब कर लेना है लाइक करना है वीडियो वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है उसके अलावा शेयर करना है शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जी सी मेन सेमेस्टर का अपना फ़ीडबैक दिया करें कमेंट लाजमी किया करें कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी लग है क्या हुआ है ठीक है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सकें अपने काम को भी और आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट भी दे सकें ठीक है अब हम जब वो सबसे पहले हम लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये ये हमने जो थेरम पढ़ा था इसमें हमने क्या आ, कौन कौन सा हमने रिलेशन देखा था उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी कि कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व करनी है इन्हीं टॉपिक से रिलेट जिल की बुक से ही तो देखिए स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था प्रीवियस लेक्चर में जो हमने धर्म किया था उसमें हमने ये वाला रिलेशन देखा था उस धर्म में अब इस धर्म में हमने करना क्या है ये रिलेशन तो हमने देख लिया था लेकिन इस रिलेशन को हमने यूज़ कैसे करना है आपके पास किसी भी एग्जाम्पल में तीन पॉइंट गिवन होंगे यानी कि जी हमें गिवन होगा जी और जी थ्री और इनके क्रॉसपॉन्डेंस हमें जब वो इनकी मैपिंग भी गिवन होगी यानी कि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू और डब्ल्यू थ्री ये तीन ये तीन पॉइंट्स हमें गिवन होंगे जी वन जी टू और जी थ्री और इनके क्रस्पोंडिंग करस्पोंडेंस हमें डब्ल्यू वन डब्ली टू और डब्ल्यू थ्री भी गिवन होंगे हमने क्या करना होगा यहाँ पर हमने बताना है कि यहाँ पर हमने बेसिकली वैल्यूज़ पुट करनी है और हमने बता देना है कि डब्ल्यू किसके इक्वल होगा कौन से फ़ंक्शन के इक्वल होगा यानी कि हमें एफ़ एफ जी बेसिकली निकालना है ठीक है बेसिकली हमने क्या करना क्या है कि हमें पॉइंट की मना है हमने फंक्शन निकालना है एफ एफ जी ठीक है जो कि डब्ल्यू के इक्वल होता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल नंबर फ़ाइव की तरफ मूव करते हैं जिल की बुक की है एग्ज़ाम्पल नंबर फ़ाइव इस एग्ज़ाम्पल को हम डिटेल uh, में जो है वो डिस्कस करेंगे और इसका डिटेल में सोल्यूशन भी देखेंगे ठीक है तो आप देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फ़ाइव है एग्ज़ाम्पल नंबर फ़ाइव है जिल की बुक से कंस्ट्रक्टिंग आ लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन हमने लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करना है जबकि अभी हमने जो वो लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब फॉर्मूला देखा है या आप कह सकते हैं कि हमने जो स्ट्रक्चर है जो जिसको हमने यूज़ करना है उसको हमने देखा अब क्वेश्चन क्या है कंस्ट्रक्ट अ लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन डैट मैप्स द पॉइंट पॉइंट हमें गिवन है यानी कि जीवन हमें गिवन है वन G2 हमें गिवन है अयोटा और G3 हमें गिवन है माइनस वन और ये जो पॉइंट्स हैं ये तीनों पॉइंट G1 G2 G3 ये कहाँ पे मैप करेंगे ऑन आई यूनिट सर्कल यूनिट सर्कल है मॉडाफ जी इक्वल्स टू वन है ठीक है यहाँ पे पास एक यूनिट सर्कल है ये मैप, ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये मैप करेंगे और आपके पास जो नए पॉइंट्स आएंगे यानी कि इनकी जो मैपिंग आएगी वो क्या आएगी ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे यानी कि W1 वन आपके पास माइनस वन आ जाएगा डब्ल्यू टू आपके पास जीरो आ जाएगा और डब्ल्यू थ्री इसी तरह से आपके पास वन आ जाएगा यानी कि ये आपके पास तीन पॉइंट आ गए ऑन द रियल एक्सिस डिटरमाइन आपके आपने ये तो आपने जो वो लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट कर ली ठीक है यानी कि यहाँ से आप जो है वो 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 टू एफ ऑफ़ जी कैलकुलेट कर लेंगे यानी कि आपने फंक्शन बेसिकली कैलकुलेट करना है उसके बाद पॉइंट आपको गिवन है यानी कि फंक्शन आपने डिटरमाइन कर लेना है उसके बाद आपने क्या करना है डिटरमाइन द इमेज ऑफ द इंटीरियर आपके पास ये जो मॉड ऑफ जी लेस दैन वन इसके अंदर यानी कि ये आपके पास एक यूनिट सर्कल है बेसिकली ये डिस्क है डिस्क हम क्यों बोलते हैं यहाँ पर पास सर्कल है इसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है बट इसके अंदर वाले पॉइंट्स इंक्लूड हैं वो कह रहा है कि इस ये जो मॉड ऑफ जी लेस दैन वन है ये जो डिस्क है ओपन डिस्क है इसके जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं यानी कि जो इसके इंटीरियर पॉइंट हैं उनका हमने इमेज भी फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन को ही यूज़ करते हुए हमने इस ये मोड ऑफ ये लेसन वन यानी कि ये जो ओपन डिस्क है इसके अंदर से कोई पॉइंट लेना है और उस पॉइंट का हमने जब वो इमेज जस्ट बता देना है इतना हमने काम करना है ठीक है अब इसका जो सोलूशन है जिल की बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से है कि स्टेप मिसिंग है ठीक है यानी कि शॉर्ट है तो मैं आपको प्रॉपर स्टेप के साथ इसका सोल्यूशन करवाऊंगी ठीक है देखिए आपके पास क्वेश्चन का सलूशन है तो सलूशन में हम देखेंगे कि आपके पास जी वन पॉइंट की है जी टू पॉइंट हमें आयोटा की है जी थ्री हमें माइनस वन की बनाए डब्ल्यू वन माइनस वन डब्ल्यू टू जीरो और डब्ल्यू थ्री हमें वन की है यह हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फाइव का सोलूशन देख रहे हैं ठीक है अब मैंने सोलूशन को बड़ा ईजी करके स्टेप बाई स्टेप आपको आपके सामने रखना है ठीक है uh, क्योंकि बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो मैंने इसका सेल्फ सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके अब हम लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का जब वो रिलेशन यूज़ करते हैं या आपके पास फॉर्मूला है बेसिकली सी माइनस जी वन और जी माइनस जी थ्री इन जी टू माइनस जी थ्री ओवर जी टू माइनस जी वन एंड दिस वन इक्वल है इसके यानी कि डब्ल्यू वाली टर्म के ठीक है तो ये आपके पास लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बेसिकली जिसको आपने यूज़ करना है यहाँ पर आपके पास ये छः के छः सारी की सारी वैल्यूज़ के गिवन है ये जी वन जी टू जी थ्री की वैल्यूज़ भी गिवन है जो कि आपको आपने यहाँ पे पुट करनी है और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री की वैल्यूज़ भी आपको गिवन है जो कि यहाँ पर आपने पुट करनी है ठीक है तो आप इजीली जो है वो w इक्वल टू एफ ऑफ जी कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में जब वो जी वन जी टू जी थ्री की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ जाएगी जस्ट हमने वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री की जगह हमने वैल्यूज़ रिप्लेस की तो ये टाइम आ गई ठीक है तो, यह तो यहाँ से आप मज़ीद देखें जी वन माइनस जी माइनस जी वन इंटू अयोटा प्लस वन जी प्लस वन इंटू अयोटा माइनस वन यहाँ से ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा ठीक है माइनस इंटू डब्ल्यू प्लस वन और डब्ल्यू माइनस वन आ जाएगा आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से ठीक है यानी कि डब्ल्यू माइनस वन जो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा जी माइनस वन के साथ और अयोटा प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी डब्ल्यू माइनस वन ठीक है और ये, ये जो डब्ल्यू प्लस वन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन है माइनस साइन यहाँ पर था तो माइनस साइन लगा दिया साथ डब्ल्यू प्लस वन लगा दिया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी प्लस वन के साथ इंटू अयोटा माइनस वन के साथ ठीक है तो यहाँ पर हम जब वो तीनों हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले दो प्रोडक्ट दो टर्म्स को तो आपके पास आ जाएगा साथ जी डब्ल्यू माइनस वन एज इट उसके अलावा यहाँ पे भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन एज इट रखेंगे और एयोटा माइनस वन भी एज इट रखेंगे और देन हम जब वो इन तीनों टर्म्स को यानी कि फिर हमारे पास दो टर्म्स बन गए हैं यहाँ पर इनको भी मल्टीप्लाई करने के यानी कि हमने यहाँ पर बेसिकली सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें W की वैल्यू चाहिए W इक्वल होना चाहिए जो भी Z का फंक्शन आएगा जो जो भी Z की वैल्यूज आएंगी ठीक है उसके इक्वल होगा तो यानी कि w वाली टर्म्स को अलग करना है जी वाली टर्म को अलग करना है इसलिए हम जब वो इस सारे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब देखिए ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई मतलब ये टर्म जो है अब W माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये टर्म जो है वो एटा माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म आ जाएंगी ठीक है माइनस है यहाँ पर एज इट ये नीचे में लेगी हूँ ठीक है और ये पूरी टर्म जो है एटा माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली साइड टाइम आ जाएगी ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो माइनस साइन है इसको हम ब्रैकेट में ओपन कर देंगे तो आपके पास ये वाली साइड टाइम आ जाएगी और ये वाली साइड टाइम आ जाएगी अब यहाँ पर क्या होगा देखें माइनस व योटा जी कैंसिल हो गया माइनस व जी के साथ क्योंकि ये इक्वल के दोनों दूसरी तरफ पड़ी हुई हैं आप बेशक ऐसा करें कि साइड टर्म्स को इक्व टू जीरो कर दें उसके बाद प्लस माइनस प्लस और माइनस वाले को जीरो कर दें मतलब कैंसिल आउट कर दें ठीक है तभी आप कर सकते हैं इस तरह से आपने कैंसिल आउट किया बाकी जो टर्म्स बची हैं आपने इसको इक्स टू तो जीरो कर लिया यहाँ से इस टर्म्स को ऐड किया तो टू टू डब्ल्यू जी अयोटा आ, 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 तो आ गया माइनस टू सी प्लस टू अयोटा माइनस टू डब्ल्यू इक्व टू ज़ीरो आ गया यहाँ से टू आपने कॉमन ले लिया और ये टू जो है नेक्स्ट स्टेप में जीरो के साथ डिवाइड होगा तो ज़ीरो बना देगा यानी कि जीरो आ जाएगा तो आप देखें ये टू जो है वो दूसरी साइड पे गया है ज़ीरो के साथ डिवाइड होगा तो ज़ीरो हो जाएगा यानी कि डब्ल्यू जी एटा माइनस डब्ल्यू माइनस जी प्लस एयोटा इक्ल टू जीरो आ गया यहाँ से आप डब्ल्यू कॉमन लेंगे क्योंकि आपने डब्ल्यू को एक साइड पे करना है और जी वाली टर्म्स को एक साइड पे करना है तो आप देख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल आ गया है जी माइनस z और जी अयोटा माइनस वन के ठीक है यही आपके पास आंसर है बेसिकली लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का जो कि जिल की बुक में भी है लेकिन वहाँ पर स्टेप मिसिंग थे अब यहाँ पर हम क्या करते हैं हम एक पॉइंट ले लेते हैं उसने बोला था कि हमने जो वो क्या करना है डिटरमाइन करना है एक पॉइंट हम लें मॉड ऑफ जी माइन मॉड ऑफ़ जी लेस दैन वन है यह आपके पास ओपन डिस्क है यूनिट ओपन डिस्क है इसके अंदर से हमने एक पॉइंट लेना है यानी कि इसका इंटीरियर पॉइंट लेना है जो कि हमने ले लिया है जी नॉट जिस पर हमने लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन uh, चेक करने यानी कि जी नॉट का बेसिकली इमेज कैलकुलेट करना है तो so, जब आप इसमें पुट करेंगे देखें ये आपके पास इक्वल होता है डब्ल्यू uh, इक्वल होता है टी आफ़ जी के ठीक है क्योंकि ये आपके पास ली नहीं है फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है ठीक है टी आफ़ जी के अब यहाँ पर जी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे टी आफ़ जी या डब्ल्यू यहाँ पर देखने बेशक तो ये आपके पास क्या आ गया और ओयोटा आ गया यानी कि ज़ीरो का इमेज क्या है अयोटा है इज़ इमेज ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ मॉड ऑफ जी लेस देन वन यानी कि मॉड ऑफ जी लेस दैन वन का जो हमने इंटीरियर पॉइंट लिया उसका इमेज क्या आ गया आयोटा आ गया और यहाँ पे पास आंसर है एग्जाम्पल नंबर फाइव का अब हम एग्जाम्पल नंबर सिक्स देख लेते हैं एंड देन हम उसका सोल्यूशन भी देखेंगे तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सिक्स है की बुक से कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन और आपके पास क्या है कंस्ट्रक्ट एग्ज़ाम्पल मतलब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कंस्ट्रक्ट लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन हमें लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करनी है डैट मैप द पॉइंट पॉइंट हमें गिवन है यानी कि जी वन हमें गिवन है माइनस वी जी टू हमें गिवन है वन एंड जी थ्री हमें गिवन है इन्फिनिटी ठीक है ये तीन पॉइंट्स हमें गिवन है जो कि मैप करेंगे ऑन द लाइन लाइन क्या है आपके पास वाई को माइनस वन पे और जब ये पॉइंट मैप करेंगे तो लाइन पे तो हमारे पास एक नए पॉइंट्स आ जाएंगे पॉइंट्स क्या आएंगे डब्ल्यू वन वन आ जाएगा डब्ल्यू टू आपके पास क्या आ जाएगा एयोटा आ जाएगा और डब्ल्यू थ्री आपके पास क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा ठीक है डब्ल्यू थ्री इक्व टू माइनस वन ऑन द यूनिट सर्कल मोड ऑफ डब्ल्यू इक्व टू वन तो ये जो पॉइंट्स आएंगे यानी कि लाइन पहले आपके पास जो पॉइंट्स है जी वन जी टू जी थ्री ये आपके पास पॉइंट्स है एक लाइन पे वाई इक्व टू तो, इस लाइन की क्या है वाई इक्स टू एक्स माइनस तो एक वन ठीक है आ, अब ये जो पॉइंट मैप करेंगे जब तो हमारे पास W डब्ल्यू वाले पॉइंट्स आ जाएंगे W1, W2, W3 और ये जो पॉइंट्स आएंगे इनसे हमारे पास एक यूनिट सर्कल बनेगा जिसका यानी कि यूनिट सर्कल बन जाएगा ठीक है तो ये बातें इंफॉमेशन दी गई है लेकिन बेसिकली हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो हम डायरेक्ट जो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉमूला लगाएंगे ठीक है वो रिलेशन लगाएंगे और हम जब वो यहाँ पर जी वन जी टू जी थ्री की वैल्यू पुट करेंगे और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू और डब्ल्यू थ्री की पुट करने के ठीक है अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सिक्स का सोल्यूशन है एज गिवन वन जी वन हमें गिवन है माइनस ही होता जी टू हमें गिवन है वन और जी थ्री हमें गिवन है इन्फिनेटी यहाँ पर जस्ट मैं जो है वो आ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है उसमें जी वही टर्म्स ले ली हूँ ठीक है जी वाई टर्म्स में मैंने क्या किया ये सारी साइड जी वाली साइड ले ली है यानी कि पहले मैं एक साइड को कंसिडर कर रही हूँ ठीक है और फिर दूसरी साइड को पहले लेफ़्ट साइड को या राइट right साइड को एंड देन हम जो है वो दूसरी साइड को कंसीडर करेंगे और फिर लास्ट पे क्या करेंगे दोनों साइड्स को इक्वेट कर लेंगे ठीक है अब ऐसे क्यों किया है क्योंकि आपके पास क्या है जी थ्री इन्फिनिटी आ रहा है तो मैंने जी थ्री पुट नहीं करी जबकि मैंने क्या किया जी जी है जी थ्री पे लिमिट अप्लाई कर दिए यानी कि लिमिट जी थ्री अप्रोच करें इन्फिनिटी को क्योंकि हमने इन्फिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनानी अगर मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर देती हूँ तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी ठीक है लेकिन अब लिमिट रखने का क्या मतलब है कि आप पहले जो वो जी थ्री बाई टू टर्म्स है उसको इस तरह से सॉल्व करें कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनीटी फॉर्म ना बने उसके बाद जो आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास सिम्प्लीफाई हो जाएंगी ये टर्म्स ठीक है अब यहाँ पे देखें जी वन की जगह जी वन की वैल्यू पुट कर दी और जी टू की जगह जी टू की वैल्यू पुट कर दी और जी थ्री को एज इट रन दिया थी मैंने ठीक है अब यहाँ पर देखें जी प्लस योटा तो एज इट ये जो टर्म है यहाँ से मैंने जी थ्री को कॉमन ले लिया है जी थ्री कॉमन आ गया वन ओवर जी थ्री माइनस वन आ गया और यहाँ से भी जी थ्री को मैंने कॉमन ले लिया है तो जी जी थ्री इंटू जी ओवर जी थ्री माइनस वन आ गया और वन प्लस अयोटा गया मैंने जी थ्री को क्यों कॉमन लिया जी थ्री को कॉमन लिया और ये कैंसिल हो गया जी थ्री को कॉमन लेने का क्या मकसद है देखें अब जी थ्री की जगह अगर मैं इन्फिनिटी बूट करती हूँ यानी कि लिमिट अप्लाई करती हूँ तो जीरो आंसर आएगा इन्फिनिटी नहीं आएगा जीरो माइनस वन करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा ठीक है यानी कि इन्फिनिटी वाली फॉर्म नहीं बन रही अब मैंने इस तरह से इसको सॉल्व किया है अब मैं आपको कुछ इन्फिनेटिविव वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए दूंगी यानी कि असाइनमेंट वर्क दूंगी वो आपने क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है ख़ुद से सॉल्व करना है ठीक है तो आप इसलिए इन्फिनेटिव वाला क्वेश्चन ध्यान से समझ लें ठीक है अब देखिए हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जहाँ जहाँ पे जी थ्री है वहाँ पर इंफिटिव पुट करेंगे तो वन ओवर इन्फिनीटी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है इसी तरह से यहाँ पे जीरो ओवर इन्फिनीटी क्या आ जाएगा ये भी ज़ीरो आ जाएगा तो देखिए आपने जी प्लस अयोटा को ऐसे ट्रेन किया यहाँ पर जीरो आएगा जीरो माइनस वन लिख दिया यहाँ पे जीरो आएगा ज़ीरो माइनस वन लिखेंगे और इंटू वन प्लस अयोटा अब यहाँ पे नीचे भी माइनस वन है यहाँ पे भी माइनस वन रह जाएगा बेसिकली जब आप इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो माइनस वन माइनस वन के माइनस वन के साथ खत्म हो जाएगा और जी प्लस अयोटा ओवर वन प्लस अयोटा आ जाएगा तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन आ गई नाउ एज गिवन पॉइंट ऑफ जी डब्ल्यू प्लेन अब डब्ल्यू प्लेन के जो हमें हमारे पास पॉइंट्स हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं डब्ल्यू वन इक्वल टू वन डब्ल्यू टू इक्वल टू वहीटा और डब्ल्यू थ्री इक्वल टू माइनस वन पहले हमने काम किया है कि इस किसपे जी प्लेन पे, पे बिकॉज ऑफ हमें एक पॉइंट इन्फिनिटी का गीमन था तो हमने जब वो the, एक बार लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया अब एक बार राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रख देंगे जो सोल्यूशन आया होगा यानी कि इक्वेजन इक्वेशन नंबर वन इसका नाम दिया है जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी हाँ उसको इक्वेशन नंबर टू का नाम देंगे और दोनों इक्वेश को इक्वेट कर देंगे अब देखिए पहले हम जो वो ये पॉइंट्स पुट कर लेते हैं ठीक है तो देखिए अब हम जो इसको ले लेते हैं डब्ल्यू वाली टर्म्स को यानी कि डब्ल्यू वाला रिलेशन हम लिख लेते हैं डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन ओवर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू थ्री इंटू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री ओवर डब्ल्यू टू माइनस डब्ली वन य हमने लिख लिया अब डब्ल्यू वन डब्लू टू डब्ल्यू थ्री की वैल्यूस हमें गिवन है तो इनको हम पुट कर लेते हैं तो आपके पास ये वाली सारी टर्म बन जाएगी अब इस टर्म को हमने इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया ठीक है अब हमने क्या करना है इक्वेट करना है इक्वेशन वन और टू को क्योंकि आपने आप इसको राइट हैंड साइड अगर कह रहे हैं तो पहले जो आपने साइड जीव वाली अजीब प्लेन पर जो काम किया वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रखेंगे राइट हैंड साइड के यानी कि दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट करेंगे तो दोनों साइड इस तरह से आ जाएगी जी प्लस और ओवर वन प्लस और इक्वल आ जाएगा इस साइड टर्म के ठीक है अब यहाँ से जो वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप रैशनलाइज करें जैसे मर्जी करें जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में जो वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं जैसे भी आपको इजी लगता है आपने बेसिकली डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है यानी कि फंक्शन आपने निकालना होता है आप जिस तरह मर्जी इस रिलेशन को इस ये जो इक्वेशंस है ये जो आपने इक्वेट करके ये जो फॉर्म है इसको जैसे मर्ज़ी आप सॉल्व करें आपने बस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी होती है अब आप ये वाला आप काम आप खुद करेंगे मैं आपको बता देती हूँ कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई है क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस मैंने आपको एक क्वेश्चन में बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ठीक है इस सारे को सॉल्व करेंगे और यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे W इक्वल आ जाएगा जी वन जी प्लस वन और माइनस सी प्लस वन माइनस टू एटा और यहाँ पे पास आंसर आ जाएगा आपने बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बतानी थी ठीक है यही आपने कंस्ट्रक्ट करनी थी और आपने कर चुकी हैं ठीक है थीके? अब देखें हम जो वो आ, हमने एग्जाम्पल नंबर फाइव देखी जिल की बुक से एग्जाम्पल नंबर सिक्स देखी एक क्वेश्चन मैं आपको एल डी बेग की बुक से करवा देती हूँ और बाकी आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आपको असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा क्वेश्चन विद आंसर ठीक है देखें स्टूडेंट्स हम एल डी बेग की बुक से भी एक क्वेश्चन देख रहे हैं और बाकी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है फाइंड करना अपने लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट पॉइंट आपके पास कि मन है यानी कि जी वन इक्ल टू वन जी टू इक्वल टू माइनस और जी थ्री इक्ल टू माइनस वन ग्यवन है ठीक है और ये पॉइंट मैप कर रहे हैं किस पे ये पॉइंट जब मैप करेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू वाले पॉइंट आ जाएंगे डब्ल्यू वन वन आ जाएगा डब्ल्यू टू माइनस वन आ जाएगा और डब्ल्यू थ्री भी वन आ जाएगा यानी कि जी जी प्लेन के जो पॉइंट्स हैं वो मैप करेंगे डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स डब्ल्यू प्लेन पे तो हमारे पास डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स आ जाएंगे तो आपने क्या फाइंड करना है लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन तो लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय क्रॉस रेशियो क्रॉस रेशियो के अकॉर्डिंग हमने लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन थेम देखा वो आपके पास थेम इस तरह से है डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री ओवर डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इन टू डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू और ये इक्वल के है. आप टर्म्स को नीचे वाली जो टर्म्स हैं इनको एक्सचेंज इंटरचेंज भी करके लिख सकते हैं कोई मसला नहीं है आप यहाँ पे टेंस ना होगा कि पिछले क्वेश्चन में हम ये जो जी वाली टर्म है इसको पहले लिख रहे थे इस इसमें बाद में लिख रहे हैं ऐसा कोई मसला नहीं है ठीक है अब आपने जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर पुट करेंगे पुट करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पर देखें यहाँ पे माइनस वन और माइनस वन, वन, वन माइनस टू हो जाएगा और नीचे आपके पास क्या है वन प्लस वन टू हो जाएगा टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन बचेगा पीछे आपके पास और बाकी टर्म्स क्या बच गई डब्ल्यू माइनस वन बच गया और नीचे आपके पास वन माइनस डब्ल्यू बच गया और साथ आपने माइनस साइन भी लगा दिया और बाकी ये वाले जो टर्म है ये एज एट सारे के सारे ठीक हो गया अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है जैसे कि हम करते रहे हैं पिछले दो एग्ज़ाम्पल्स में से आपके पास जो इस माइनस साइन को आपने मल्टीप्लाई किया तो डब्ल्यू माइनस वन ओवर डब्ल्यू माइनस वन आ गया या आपके पास इक्वेशन नंबर वन आ गया अब आप ये सोच रहे हैं कि डब्लू माइनस वन डब्ल्यू माइनस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपने कैंसिल नहीं करना आपने बेसिकली डब्ल्यू की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है ठीक है आप इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते अब आप आपने यहाँ पे क्या करना है ये वो ये वाली जो टर्म है इसको कंसिडर कर लेना है और इस टर्म को रैशनलाइज करना है जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो वो देखिए नेक्स्ट स्टेप में रैशनलाइज किया गया है आप जरूरी नहीं कि आप हर बार क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पर देखें रैशनलाइज भी किया गया है रैशनलाइज किस तरह से करेंगे देखें माइनस जी जी माइनस वन एजिड ओवर वन प्लस जी बी एजिड वन माइनस योटा ओवर वन प्लस योटा है अब वन प्लस योटा को हमने सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे वन माइनस योटा के साथ यानी कि वन माइनस ओ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ये काम हमने किया इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाली सारी आइटम आ जाएंगी यानी कि z माइनस वन इंटू एवटा ओवर z प्लस वन आ जाएगा और इधर इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है w माइनस वन है और नीचे भी w माइनस वन है अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमने w की वैल्यू निकालनी है बेसिकली ठीक है हमने क्या किया है ये जो z माइनस वन है इसको हम दूसरी साइड पे लेके आए तो या पे पास इस टर्म के साथ जो जी माइनस वन जो मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि बेसिकली हम आप समझ लें कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है आप इस तरह से भी समझ सकते हैं अब देखिए हमने क्या किया है डब्ल्यू वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके और इस फॉर्म में हमने लिख दिया यहाँ पर ये जो डब्ल्यू वाली टर्म है ये दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस की हो जाएगी यहाँ से आप डब्ल्यू कॉमन ले लें ले तो वन माइनस जी माइनस वन इंटू योटा ओवर वन प्लस योटा आ गया ठीक है और इधर भी यही वाली टर्म है ये टर्म जब वो ये वाली जो टर्म है ये दूसरी साइड पर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पर डिवाइड होगी तो ये दोनों टर्म्स बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगी तो डब्ल्यू आपके पास क्या आ जाएगा वन आ जाएगा और यही आपके पास लेकिन फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है और यही आपके पास आंसर है इस एग्जाम्पल का अब आप मैं आपको कुछ असाइनमेंट वर्क दे देती हूँ स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट वर्क में देने लगी हूँ तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन अब आपको असाइनमेंट वर्क देने का मकसद क्या है अब इस बात को समझें कि आपके पास यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया है फ़ाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पहले हम वर्ड यूज़ करते रहें फ़ाइंड द लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं फ़ाइंड द बाई लीनियर ट्रांसफार्मेशन फ़ाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ये तीनों एक ही नाम है तो ये तीनों डिफरेंट नाम यूज़ कर सकता है तो आपने पेपर में कन्फ्यूज़ ही ना अगर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएँ तो इसलिए आपको ये असाइनमेंट पर दे रही हूँ अब यहाँ पर क्या है तीन ही पॉइंट्स हैं आपके पास पॉइंट क्या है जी वन आपके पास गिवन है जी वन टू गिवन है जी थ्री जी वन जी टू आपके पास वन प्लस जोटा की मना है और जी थ्री आपके पास जीरो की मना है इसी तरह से ये जो पॉइंट्स हैं ये जी प्लेन में है और ये मैप करते हैं ये तीनों पॉइंट्स जब मैप करते हैं तो हमारे पास डब्ल्यू वन आ जाता है ज़ीरो डब्ल्यू टू आपके पास वन आ जाता है और डब्ल्यू थ्री थ्री आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है जो कि डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स हैं ठीक है थीके? अब ये देखें यहाँ पर जो डब्ल्यू वाली टर्म्स है इसमें इन्फिनेटी आ रहा है तो इन्फिनीटी वाला मैं आपको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आपने उसी तरह से सॉल्व करना है तो आपके पास की वाला आना चाहिए आंसर आना चाहिए डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास क्या आना चाहिए टू माइनस जी इंटू अटा अवर जी ये आपके पास आंसर आना चाहिए यानी कि ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने फर्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन दिया है आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें ये आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है दिस वन अब इस क्वेश्चन में देखें फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉइंट पॉइंट हमें गिवन है वन जी वन हमें वन गिवन है सी टू हमें माइनस वन गिवन है और जी थ्री हमें इन्फिटी गिवन है ठीक है अब ये तीन पॉइंट गिवन है यहाँ पे इन्फिनी वाला केस है तो आपने जब वो इस क्वेश्चन को भी इन्फिटी वाले केस से सॉल्व कर लेना इजीली सॉल्व हो जाएगा और ये जो तीन पॉइंट्स है ये मैप कर रहे हैं हमारे पास इन तीन पॉइंट्स पे यानी कि ये डब्ल्यू वाले पॉइंट्स हैं डब्ल्यू वन आपके पास इक्वल है वन प्लस से योटा के डब्ल्यू टू इक्वल है वन माइनस से योटा के और डब्ल्यू थ्री हमें वन के इक्वल है ये तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है आपने जस्ट फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और डब्ल्यू की वैल्यू आप निकाल लेंगे डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा जी प्लस एोटा व जी के पे पास आंसर है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं अब नेक्स्ट आपके पास एक और असाइनमेंट वर्क दूंगी लेकिन असाइनमेंट वर्क देने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देती हूँ ठीक है जैसे कि हम जब वो जी सी मैन कैम्पस सिक्स सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ ये कोर्स जो है वो एम एस सी टू के लिए भी सेम कोर्स है और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है तो मैं चाह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स करें ताकि आपको पेपर में इशू ना आए और एक्सरसाइज करते हुए भी मसला ना हो वैसे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो मैं करवाऊँगी लेकिन एग्जाम्पल ज़्यादा करवाने का ये मकसद होता है कि सारे सारे के आ, मतलब हर टाइप के आप क्वेश्चन टच करें और जैसे कि इन्फिनिटी के क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट वर्क में दे रही हूँ ताकि आपको इन्फिनिटी के क्वेश्चन के यूजड हो जाएँ मतलब प्रैक्टिस करें और आपको हर चीज़ समझ आ जाए अब हम एक और क्वेश्चन का सोलूशन देख लेते हैं पहले बस एक और एग्ज़ाम्पल है ये एग्ज़ाम्पल जो आप एल डी बेक की बुक से करवा रही हूँ मैं अब ज़्यादा एग्ज़ाम्पल करवाने का मकसद क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिस पर ठीक है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स मिल सकें और आपने नोट्स अच्छे से बना लेने हैं ठीक है थीके? अब देखिए हम एग्ज़ाम्पल के सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं फाइंड द फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन डैट मैप द पॉइंट पॉइंट हमारे पास गिवन है जी वन जी टू और जी थ्री जो कि मैप कर रहे हैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू और डब्ल्यू थ्री पे तो सबसे पहले हम फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाएंगे बाय इज गिवन बाय क्रॉस रेशो क्रॉस रेशियो के अकॉर्डिंग हमें जो फॉर्मूला गिवन है इस फॉमूले में जब वो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ आपने पुट करनी है जी वन की जगह जी वन की जी टू की जगह जी टू की जी थ्री की जगह जी थ्री की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी इसी तरह से डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू और डब्ल्यू थ्री की जगह उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी ठीक है यहाँ से आपने क्या किया है ये जो टर्म है माइनस वन और माइनस योटा इसमें से आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो वन प्लस योटा आ गया ठीक है अब ये जो माइनस साइन है ये ऊपर मूव कर गया यहाँ पर देखिए वन प्लस योटा या एटा प्लस वन लिख दिया बाकी टर्म्स एज इट है यहाँ पे देखिए माइनस ओ योटा है माइनस ओ योटा दोनों टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है माइनस साइन है ये एज इट रहा यहाँ पर और ये आपके पास ये वाली टर्म आ गई अब इस टर्म को आपने सिंप्लीफाई करना है और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है अयोटा माइनस वन है और अयोटा प्लस वन है ये दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ये यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाके डिवाइड होंगे डिवाइड होंगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी यानी कि वन अयोटा प्लस वन ऊपर आ जाएगा और अयोटा माइनस वन नीचे आ जाएगा तो ये पे पास यहाँ पे डब्ल्यू वाली टर्म आपने अलग कर ली यहाँ पर आप डब्ल्यू फाइंड करने के लिए कंपोनेटो डिविडेंटो फार्मूला लगाएंगे ये बेसिकली आपने नाइन टेंथ में पढ़ा होगा उसके अलावा इसका यूज है वो मैथमेटिकल मेथड में भी आ, किया हुआ है इसका यूज़ ठीक है लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप जो नाइन टेंथ की बुक से कंपोनेंट और डिविडेंट फॉर्मूला देख लें नहीं तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं बता रही जस्ट आपको बता रही हूँ कि आप कहाँ से फार्मूला ले सकते हैं वो फॉमूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसके बाद सारी टर्म्स इस टाइप की आ जाएंगी इन टर्म्स को हम सिम्पली करेंगे जहाँ जहाँ पे एयोटा स्यर है वहाँ पर माइनस वन पुट करना है और उसके बाद जो भी चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उसको कैंसिल आउट कर लेना है ठीक है जैसे कि आप देखें एयोटा स्कीयर और एयोटाज के ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके अलावा जो वो सॉरी एयोटास के एयोटास के कैंसिल नहीं होगा सॉरी uh, क्योंकि एयोटास के माइनस वन होगा एयोटास के भी माइनस वन होगा ये अयोटा और माइनस एोटा कैंसिल हो जाएंगे ठीक है इस टाइप की टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट होंगी जो प्लस और माइनस वाली टर्म्स हैं इसी तरह से uh, यहाँ से भी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट होंगी आप इन सारी टर्म को सा, uh, जब वो सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपके पास जगह डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा यहाँ पे टू तू, टू से कैंसिल हो जाएगा डब्ल्यू बचेगा डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा टू जी माइनस वन माइनस वन ओवर टू जी अयोटा प्लस टू अयोटा आ जाएगा यहाँ पे टू जी माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा यहाँ से टू अयोटा कॉमन ले लेंगे ले ले तो जी प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे टू टू से कैंसिल हो जाएगा देखिए ऊपर आई टर्म से टू कॉमन लेंगे ले तो जी माइनस वन आ जाएगा और टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा तो जी माइनस वन ओवर अयोटा इंटू जी प्लस वन आ जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप में अयोटा के साथ हम रैशनलाइज रे कर देंगे कि आपके पास वन ओवर अयोटा है इसको रैशनलाइज कर दें माइनस व्योटा ओवर माइनस व्योटा के साथ तो यहाँ पे माइनस व बच गया यहाँ पे माइनस अयोटा स्केर आ जाएगा और अयोटा स्केर क्या होता है माइनस वन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं है यानी कि यहाँ पे जस्ट माइनस एटा बचेगा तो आप माइनस व लिख लेंगे बाकी टाइम एज इट यानी कि सिर्फ अयोटा वाले टाइम को आपने रैशनलाइज करना है जो कि मैंने आपको बता दिया इस तरह से रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास एयोटा इंटू वन माइनस जी ओवर जी प्लस वन आ जाएगा यानी कि यहाँ पर आपने डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली है जो कि आपके पास रिक्वायर्ड फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है और यही आपके पास आंसर है अब आप मैं आपको मजीद कुछ असाइनमेंट वर्क दे देती हूँ लेकिन स्टूडेंट्स आपके असाइनमेंट वर्क के लिए आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैपिंग आपके पास जी वन जी टू और जी थ्री की बन है और इसी तरह से डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्बू टू और डब्ल्यू थ्री बी की बन है आप देखें डब्ल्यू वाले केस में आपके पास डब्ल्यू टू की वैल्यू क्या है इन्फिटी है तो यहाँ पे इन्फिनिटी वाले केस लगाएंगे और आपने ये वाला आंसर कैलकुलेट करना है ये के डब्ल्यू की ये वाली आनी चाहिए आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर वर्ड चूज़ किए फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब हमने यहाँ पर तीनों वर्ड सीख लिए हैं लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी मोबीएस ट्रांसफॉर्मेशन भी और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी ये तीनों वर्ड चूज़ किए जा सकते हैं ठीक है और फार्मूला आपने सेम ही लगाना है सब में विद द मैप ये पे पास तीन पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है यानी कि जी वन जी टू और जी थ्री की वैल्यूज़ की बना है जी वन आपके पास एटा है जी टू आपके पास माइनस एटा है और जी थ्री आपके पास वन गिवन है इसी तरह से डब्ल्यू वन आपके पास गिवन है जीरो डब्ल्यू टू वन और डब्ल्यू थ्री क्या है इन्फिटरी है यहाँ पर भी इन्फिनीटरी वाला केस लगेगा तो आपने जो इन्फिनी वाली टर्म्स को इस तरह से एलिमिनेट करना है कि इन्फिनिटी व इंफिनीटी फॉर्म ना बने ठीक है जो कि मैं आपको सिखा चुकी हूँ तो आपने ये वाला आंसर कैलकुलेट करना है ये इस क्वेश्चन का आंसर है आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो वाट्सएप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं और जो व्हाट्सएप पर नहीं ऐड वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं मैं उनको ऐड कर दूँगी ठीक है यूट्यूब पर बता दें कमेंट बॉक्स पर मैं उनको ऐड कर दूँगी उसके अलावा हम जैसे कि जी सी मेन कैंपस सिक्स सेमेस्टर का कोर्स पढ़ें इसके साथ साथ एम एस सी टू एम एस सी टू के लिए भी सेम कोर्स है और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हेल्पफुल है तो आपने क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको uh, कोई भी लेक्चर मिस ना हो और आपने लेक्चर्स के नोट्स बना लेने काइंडली उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें जिससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपने क्या करना है शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट मिल सके ठीक है और अपना फीडबैक मस्त दिया करें ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़